पहले साल से इस पूजा में आ रहा हूँ, 3 साल हो गए इस पूजा को, और बहुत ऐसा घरेलू और पूजा है और मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि बहुत मैं जहाँ पे मैं बहुत छोटे शहर से, वहाँ की दुर्गा पूजा भी ऐसी होता था, बहुत छोटा घरेलू और बहुत कम लोग मिलकर आपस में प्यार से करते थे, तो एक बहुत अच्छा वाइब है इस पूजा में। मैथिली फाउंडेशन के बारे में जितना कहूँ कम है, क्योंकि देखो क्या होता है, हिंदुस्तान में कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम दिलो जान से एंजॉय करते हैं, फिर वो दुर्गा पूजा हो, गुजराती का नवरात्र हो, और कोई भी होली जैसा जिसमें डायरेक्ट कलर की ही बात है, या कोई भी संक्रांत में तो कोई भगवान जी की अभी कोई इन्वॉल्व है, पतंग खेल, अब गुजरात में जाओ तो हाथ कट, एक देखा है कि हिंदुस्तानियों को एक स्पिरिट होता है कि फेस्टिवल आया तो पागल हो जाते हैं, यानी एंजॉय करो, बहुत अच्छा करना ही चाहिए लाइफ में, फेस्टिविटी एंजॉयमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ, को एक यू नो हाई देता है, नई नई हाई देता है, एंड इट्स ऑलवेज गुड फैमिली सब फ्रेंड्स, हमारे कास्ट रिलीजन वाले सब इकट्ठा होकर एक सोशल एक्टिविटी थी। नवरात्रि है 9 दिन की और सभी जगह गरबा डांडे और लाइटिंग्स और साउंड है, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार है कि मैंने किसी बंगाली दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट किया है अपने आप को, या फिर एक हिस्सा बनी हूँ एज अ गेस्ट, और बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैंने पहली बार दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो पहली बार इतनी करीब से देखी है, और क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ तो यूजुअली होता ही है कि हम दुर्गा माता जी होती है या फिर शेरावली माँ है, इन सब को देखते हैं, लेकिन बंगाली जो उनकी जो तेजस्वी मूर्ति है वो पहली बार देखने मिली, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है।